नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं अभी हूँ फ्रीटाउन में, अफ्रीका का एक देश सियेरा लियोन का कैपिटल फ्रीटाउन में। तो फ्रीटाउन से आज हम जा रहे हैं बूढ़े बीच। फ्रीटाउन का ईस्टर्न पार्ट में मैं हूँ अभी, और ईस्टर्न पार्ट से बूढ़े बीच जाने के लिए लगभग 50 किलोमीटर का दूरी तय करना पड़ेगा। सियेरा लियोन में क्रिसमस के टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, खास करके फ्रीटाउन में, क्योंकि फ्रीटाउन में 1/3 लोग फ्रीटाउन में रहता है पूरा देश का, और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, जिसके कारण हम लोग आज बाइक ले चुके हैं और बाइक ले करके हम लोग निकल चुके हैं। क्योंकि बाइक ले करके निकलने का दो फायदा है। एक फ़ायदा तो ये है कि ट्रैफिक में ज़्यादा देर तक रुकना नहीं पड़ेगा, अगल बगल से कहीं ना कहीं से कट मिल जाएगा, और दूसरा एक कारण ये है कि बाइक से निकलने में आपको व्यू पूरा अच्छा मिलेगा, वीडियो का जो व्यू है वो पूरा अच्छा मिलेगा। तो हम लोग डिसाइड किए कि पूरा ये क्रिसमस हम लोग बाइक से घूमेंगे पूरा फ्रीटाउन। तो हम लोग आ चुके हैं जुए जंक्शन। इस जंक्शन का नाम है जुए जंक्शन, और इस जंक्शन में लोकल एक मार्केट भी है। यहाँ पर ट्रैफिक रहने का खतरा रहता था, लेकिन आज तो ट्रैफिक एकदम ही नहीं है, आज दिन थोड़ा अच्छा है। देखिए, फ्रीटाउन में बहुत सारा माउंटेन है, खास करके फ्रीटाउन के वेस्टर्न पार्ट में और पेनिनसुला साइड में बहुत सारा माउंटेन है, और पूरा सियेरा लियोन में बहुत सारा माउंटेन होने के कारण सियेरा लियोन को लायंस माउंटेन भी कहा जाता है। और हम लोग अभी जा रहे हैं जुहे जंक्शन छोड़ करके। पहला जो टोल गेट आया है उसका नाम है हेस्टिंग्स टोल गेट, और ये टोल गेट में टोल देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाइक को टोल नहीं देना पड़ता है, इंडिया में भी नहीं देना पड़ता है ना। तो इस टोल गेट से हम लोग जाएंगे बूढ़े बीच, और बूढ़े बीच में हम लोग 2-3 दिन बिताएंगे, और उसके बाद बूढ़े बीच से हम लोग वापस लौटेंगे। छुट्टी है 2 दिन का, बट छुट्टी का पूरा मज़ा उठाया जाएगा, इसलिए हम लोग बाइक से निकल चुके हैं। ट्रैफिक में 1-2 घंटा बिताना नहीं है, छुट्टी का हर जर्रा हम लोग इन्जॉय करने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो चलिए फ्रीटाउन दे। ओ माय गॉड, यहाँ पर तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है। फ्रीटाउन में लगभग दिन एक्सीडेंट होता रहता है। लेफ्ट साइड में आपको एक मस्जिद दिख रहा है, यह सब टर्की का बना हुआ है, क्योंकि टर्की का फ्लैग लगा हुआ है। और देखिए, ये है माउंटेन में बना हुआ घर। माउंटेन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और बहुत सारा होने के कारण माउंटेन के ऊपर घर बना हुआ है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा खतरा भी है। 2017 में फ्रीटाउन में एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था, जिसके कारण बहुत लोगों का जान चला गया था। लेकिन 2017 के बाद से लगभग 5 साल हो चुका है, अभी तक कोई लैंडस्लाइड का खबर नहीं आया है, और गवर्नमेंट भी सतर्क हो गया है। जहाँ पर लैंडस्लाइड का खतरा है वहाँ पर घर बनाने में रोक लगा दिया है। तो ये हम लोग पहुँच चुके हैं वाटरलू। इस जगह का नाम है वाटरलू, और वाटरलू एक बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि सियेरा लियोन में फ्रीटाउन से निकलने के टाइम और प्रोविंस से फ्रीटाउन आने के टाइम वाटरलू एकमात्र मार्केट है जो मिडिल पॉइंट का काम करता है। और वाटरलू में लोकल मार्केट बहुत बड़ा है, रोड के साइड में आपको छोटा सा दिख रहा है, बट अंदर बहुत बड़ा मार्केट है। इस जगह में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का खतरा रहता था, और खतरा आज खतरा टल चुका है, क्योंकि आज कोई ट्रैफिक नहीं दिख रहा है रोड पे। आज हम लोग बाइक लेकर के निकले तो आज ट्रैफिक नहीं है। दूसरे दिन हम लोग यहीं पर एक घंटा से 2 घंटा, कभी कभी 3 घंटा तक रुक जाना पड़ता था। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा दिन है, लग रहा है कि सही टाइम पे पहुंच जाएंगे, और दिन का शुरुआत तो अच्छे से ही हो चुका है। ये है मार्केट, लोकल मार्केट। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्राउड आज कम ही लग रहा है, क्योंकि सब चला गया है घूमने, फिर भी मार्केट में थोड़ा बहुत क्राउड है। ट्रैफिक संभालना ट्रैफिक वालों के लिए भी एक मुसीबत का काम होता है, क्योंकि यहाँ पर जो बाइक राइडर्स है ये तो सबका चाचा जान है। तो ये देखिए, ये 3 बच्चे यहाँ पर जा रहा है, कितना रिस्क ले करके। यहाँ पर बाइक राइडर्स थोड़ा ज़्यादा ही रिस्क ले लेता है, क्योंकि इनको डेली ज़्यादा ट्रिप करना होता है, ज़्यादा पैसा कमाना होता है, तो जिसके कारण थोड़ा सा ले लेता है रिस्क। तो हम लोग आ चुके हैं एक सुपर मार्केट में, चलिए अंदर चलते हैं। मैडम, व्हाट्स योर नेम? मेरी क्रिसमस है। वाटर स्मॉल ओवर ओके, कैन टेक।
So madam, Christmas also no holiday? Here go back after that you see. Then you hack up again. You remember one time Christmas was the first year. We started drinking since morning, since 1 o'clock. Yeah. That same bure. Yeah. Not 1 o'clock, we went, we drink. So we reach Campanaro Resort, and this is the resort here. And I am with Mr. David. He is the manager here in Campanaro Resort, right? This is the Mr. David. You want to say something? Yeah. Here is Campanaro Resort. Where we encourage a lot of people to come around to enjoy the facility that we have here. Like we have the hotel, we have the beach, we have the restaurants, and we have the bar just down at the beach where you can have good time. So we are encouraging every customers
to come and enjoy themselves in our resort. Okay, no problem. Thank you. Yeah, you're Merry welcome. Christmas. Yeah, wish you the same. This is Campanaro Resort. हम लोग अभी Campanaro Resort में पहुँच चुके हैं. Campanaro Resort Sierra Leone का बूढ़े बीच में अवस्थित है. ये बहुत ही एक खूबसूरत रिसोर्ट है. इससे पहले भी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ. इससे पहले भी मैं एक वीडियो अपलोड किया था. बट आज क्रिसमस 25th दिसंबर है और 25th दिसंबर में यहाँ का माहौल कुछ और ही है. तो चलिए आपके साथ चलते हैं और आपको इस रिसोर्ट को दिखाते हैं. हम लोगों को लास्ट टाइम बैल्कनी रूम मिला था बट इस टाइम अभी हम लोग इस रूम में घुस चुके हैं. नीचे वाला दिस इज नो बैल्कनी हियर मैन. हाउ वी कैन दैट आल्सो नॉट अ बालकनी. हां रूम्स आल्सो नॉट अ बालकनी. दैट रूम आर स्टे वेयर इज बालकनी. वेयर इज बालकनी. हां नो लास्ट टाइम वी स्टे एट वेयर इज द बालकनी. नॉट बालकनी एट लीस्ट व्यू इज देयर ना. हियर हियर आल्सो व्यू इज देयर. दिस इज नो व्यू मैन. दिस इज लाइक अ ब्लॉकेज. Come on, sir. This is the toilet. Toilet is open. No, toilet is high, like it's. So we have to track the mountain on it.